सैमसंग वॉच एक्टिव 2 ब्लड प्रेशर और ECG का भी फीचर सपोर्ट करता है, लेकिन इंडिया में नहीं करता। इंडिया में सैमसंग ने इसे डिसेबल करके रखा है। लेकिन अगर आप US या फिर UK का वर्जन देखेंगे सैमसंग वॉच एक्टिव 2 का, तो उसमें आपको ये फीचर्स मिल जाएंगे। ये फीचर्स इंडियन वेरिएंट में आप कैसे डाल सकते हो, ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में मैं एकदम आसान तरीके से बताने वाला हूँ। सिंपली आपको एक मोबाइल फोन की जरूरत होगी जो इस वॉच से पेयर्ड होगा, आपको किसी कंप्यूटर की जरूरत नहीं होगी। हालांकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मौजूद है इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके उन लोगों ने बताया है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए इस वीडियो को। एकदम आसानी से आप ECG और BP का फीचर आपके सैमसंग वॉच पे पा सकते हो। ECG और BP मॉनिटरिंग के लिए आपको सैमसंग हेल्थ मॉनिटर की ज़रूरत पड़ेगी, जो मोबाइल में भी इंस्टॉल्ड होगा और वॉच में भी इंस्टॉल्ड होगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, इस वॉच में सैमसंग हेल्थ मॉनिटर अभी इंस्टॉल्ड नहीं है और इस मोबाइल में भी सैमसंग हेल्थ मॉनिटर इंस्टॉल्ड नहीं है। देखिए, ये इस वक्त मैं S20 FE यूज़ कर रहा हूँ। सैमसंग हेल्थ मॉनिटर दोनों में आपको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए दो फाइल्स आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। ये बेसिकली APK फाइल्स है दोनों। ये देखिए, एक सैमसंग हेल्थ मॉनिटर मोबाइल के लिए है और एक APK फाइल है, लेकिन ये फाइल जो है ये आपके मोबाइल में इंस्टॉल होके इस वॉच पे इंस्टॉल करेगी सैमसंग हेल्थ मॉनिटर वॉच वाला वेरियंट। उसके बाद वॉच पे आना है। वॉच पे आके आप वॉच के सेटिंग में जाइए। सेटिंग में सबसे नीचे अबाउट वॉच है। अबाउट वॉच में सॉफ्टवेयर में जाइए। सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर वर्जन पे टैप्स कीजिए। बहुत बार आपको ये मैसेज आएगा, डेवलपर मोड टर्न ऑन। देन आप यहाँ देख सकते हो, बैक जाके डेवलपर मोड ऑन हो चुका है, देखिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, अबाउट वॉच में जाके आपको डिबगिंग ऑन करना पड़ेगा। इस वक्त डिबगिंग ऑफ है, डिबगिंग पे क्लिक करके सिंपली इसको ऑन कर दीजिए। बस इतने ही स्टेप थे वॉच पे। देन आपको सैमसंग हेल्थ मॉनिटर ये वाला मोबाइल वाला वेरिएंट आपको इंस्टॉल करना है। परमिशन आपको दे देनी है फाइल मैनेजर से इंस्टॉल करने के लिए। डन। देखिए, अभी सैमसंग हेल्थ मॉनिटर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन ओपन करते ही ये आपको मैसेज देगा, नो कंपैटिबल वॉच फाउंड। ये क्यों देगा? क्योंकि आपके वॉच पे सैमसंग हेल्थ मॉनिटर इंस्टॉल्ड नहीं है। तो उसे इंस्टॉल करने के लिए आपको ये वाला APK इंस्टॉल करना पड़ेगा। बेसिकली ये APK आपके मोबाइल से वॉच में इंस्टॉल कर देगा सैमसंग हेल्थ मॉनिटर ऐप। वो ऐप आपको ऐप ड्रॉअर में नहीं दिखेगा। थोड़ी देर वेट करना है आपको, फिर उसके बाद इस पे वो ऐप आ जाएगा। एक मिनट के बाद मैं चेक करता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको ऐप्स में सैमसंग हेल्थ मॉनिटर इंस्टॉल्ड दिख रहा है। सिंपली मैं इसको ओपन करूँगा। परमिशंस आपको दे देनी है। देखिए, ये ऐप आ चुका है। आपको ध्यान रखना है, जो सैमसंग हेल्थ मॉनिटर ऐप है, एक बार इंस्टॉल्ड हो जाने के बाद इसमें इसका जो हमने डेवलपर मोड और डिबगिंग मोड ऑन किया था वो आपको ऑफ कर देना है। ये ऑफ जरूर करना, ये ऑन बिल्कुल भी मत रखना। देखिए, अबाउट हमें डिबगिंग मोड है, वो भी हम ऑफ कर देंगे। डेवलपर मोड और डिबगिंग मोड ऑफ करने के बाद आपको जाना है सैमसंग हेल्थ मॉनिटर ऐप में मोबाइल में, उसमें कंटिन्यू करना है। आपको परमिशंस पूछेगा। ये दोनों परमिशन मैंने दे दी है, लेकिन ये वाली जो है थर्ड वाली, वो ऑन करने के बाद मेरा ऐप जो है वो क्रैश हो रहा है। आप ट्राई कर सकते हो, ऑन करके देख सकते हो। क्रैश नहीं हुआ तो अच्छी बात है, अगर क्रैश होता है तो ऑफ करिए। डन। फिर मैं ये सेटअप कर लेता हूँ। देखिए, अब सेटअप उसका हो चुका है। स्वाइप करना है स्टार्ट के लिए। देखिए, ये दोनों ऑप्शन अब आ चुके हैं। मैं एक बार पहन के भी आपको दिखा देता हूँ। ये ECG और BP का जो है वो आप डायरेक्ट वॉच से भी देख सकते हो। वॉच में सैमसंग हेल्थ मॉनिटर ऐप ओपन करिए, ECG में जाइए। देखिए, ओपन फोन ऐप, गेट स्टार्टेड यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ये आपको इंस्ट्रक्शंस देगा, ये आप देखिए। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जो वॉच वाला ECG और BP है वो एक्यूरेट नहीं है। कौन सा भी वॉच ले लो, चाहे एप्पल वॉच, जो भी हेल्थ फीचर्स है, ऑक्सीजन हो, BP हो, या कुछ भी हो हेल्थ रिलेटेड फीचर्स, उस पर आपको रिलाय नहीं रहना है।
कंपनियां खुद बोलती है कि ये एक्यूरेट नहीं है। इसे सेटअप करने के बाद या रेडी टू गो। यहाँ पे आपकी ये बस होल्ड करके रखना है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देता है वैसे, देखिए। ईसीजी आ चुका है, आप ईसीजी इस पे मोबाइल पे देख सकते हो। वॉच पे आप वो ग्राफ नहीं देख सकते, लेकिन आपको उसका डेटा पूरा मोबाइल में मिल जाएगा, देखिए। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के लिए आपको वॉच को पहले कैलिब्रेट करना पड़ेगा, जो भी बीपी मॉनिटर है उसके साथ। इसका ब्लड प्रेशर कैलिब्रेट करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक बीपी मॉनिटर या फिर मैनुअल बीपी मॉनिटर जो आते हैं, जो क्लिनिक्स में यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल या क्लिनिक्स में, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। मैं दोनों के साथ कैलिब्रेट करूँगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इसके साथ ही शो करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक बीपी मॉनिटर ही होता है और सभी को मैनुअल वाला नहीं आता है। लेकिन बीपी एक्यूरेसी टेस्ट जो है वो मैं इलेक्ट्रॉनिक बीपी मॉनिटर और जो मैनुअल बीपी मॉनिटर है दोनों के साथ करूँगा। कैलिब्रेट करने के लिए सबसे पहले आपको मोबाइल ऐप से ही स्टेप्स करने हैं, आपको ये पूरा गाइड करेगा। कैलिब्रेशन करते वक्त आपको इस पोजीशन में हाथ रखना है और ये जो है वो भी इस पोजीशन पे हाथ रखना है, ये ध्यान रखना, नहीं तो गलत रीडिंग्स आएगी। ये जो है इंस्ट्रक्शन आ रहा है, ये हड्डी से एक उंगली दूर वॉच होनी चाहिए। शांति से बैठना है, ये स्टार्ट करते हैं। देखिए अब ये हो चुका है कंप्लीट। अब ये जो रीडिंग्स है, यस एंटर नाउ, ये आपको सिंपली एंटर करनी है। ऐसी तीन रीडिंग्स लेके आपको इसमें डालनी है, तब ये कैलिब्रेट होगा। फर्स्ट मेजरमेंट कंप्लीट हो चुकी है, वैसे ही तीन रीडिंग्स मैं इसमें डाल देता हूँ। तीन रीडिंग्स मैंने इसमें डाल दी है और इसका कैलिब्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इससे बीपी मेजर कर सकते हैं। देखिए रीडिंग आ चुकी है और ये सेम रीडिंग आपको मोबाइल में भी देखने को मिल जाएगी। सारी इंस्टॉलेशन प्रोसीजर तो आपने देख ली, लेकिन वीडियो बंद मत करिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं अभी करने वाला हूँ। सैमसंग वॉच एक्टिव 2 में जो बीपी का फीचर आता है, वो यूज़ करने से पहले उसकी एक्यूरेसी टेस्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है। इसकी ब्लड प्रेशर मॉनिटर की एक्यूरेसी टेस्ट करने के लिए मैं ये जो क्लिनिक में यूज़ करते हैं, क्लिनिक में या हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, मर्क्यूरी वाला बीपी मॉनिटर, इसके साथ मैं सैमसंग वॉच एक्टिव 2 की एक्यूरेसी टेस्ट करूँगा। मैंने ऐसा वीडियो पहले भी बनाया है, उसमें मैंने बोट स्मार्ट वॉच यूज़ किया था। बोट वॉच स्टॉर्म में भी ब्लड प्रेशर का फीचर आता है, उसको मैंने इस ब्लड प्रेशर मॉनिटर से कंपेयर किया था, रिजल्ट्स एकदम शॉकिंग थे। आपको अगर वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। और सैमसंग वॉच एक्टिव 2 वर्सेस मैनुअल मर्क्यूरी वाला बीपी मॉनिटर, इसका भी वीडियो मेरे चैनल पे जल्द ही आने वाला है। उसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि बीपी वाला फीचर वॉच पे यूज करने से पहले वो वीडियो आपको देखना जरूरी है। इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, और लाइक और शेयर भी कर देना इस वीडियो को। थैंक यू।